आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कोरोना को लेकर पीएम मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। बैठक में कोरोना की स्थिति पर होगी चर्चा। शाम 4 बजे की होगी बैठक। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को दी मात। कहा, कोविड गाइडलाइन का पालन किया तो नहीं लगेगा लॉकडाउन। गुरु गोविंद सिंह की जयंती आज। नाका गुरुद्वारे में सीएम योगी ने टेका मत्था। अरदास में शामिल हुए योगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ईसी कराए निष्पक्षता से चुनाव। बसपा की कथनी करनी में अंतर नहीं। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 7,695 नए मरीज। पॉजिटिव रेट 1.84 पहुंचा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में इलेक्शन की बिगुल बज चुका है। कोरोना महामारी के कारण 15 जनवरी तक सभी रोड शो और रैलियां पर पाबंदी लगा दी गई है। चुनाव आयोग कोविड केस को देखते हुए आगे इस पर फैसला लेगा। इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा करते हुए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और चौराहों, बाजारों में लगी होर्डिंग और बैनर से सख्ती से उतारवाने लगा। ये 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन तेजी से बैनर पोस्टर उतार रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सहारनपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर और गाजीपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही साथ औरैया, अलीगढ़, महोबा और मऊ की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैनर और पोस्टिंग हटाने की कार्रवाई तेज हो चुकी है। अलीगढ़ के विधानसभा अतरौली एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां सपा के द्वारा पूर्व विधायक वीरेश यादव के नेतृत्व में जोर शोर के साथ आचार संहिता लगने के बाद भी कस्बे में सपा की परिवर्तन यात्रा निकाली गई। तो वहीं जैसे ही इसकी खबर अधिकारियों की हुई तो अधिकारियों के द्वारा परिवर्तन यात्रा को रुकवा कर सपा कार्यकर्ताओं को उल्टे पैर लौटा दिया गया। इस मामले को लेकर SDM का साफ तौर पर कहना है कि आचार संहिता का किसी भी तरीके से उल्लंघन होना नहीं दिया जाएगा। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा को उनके द्वारा ही रुकवा दिया गया है। सपा के पूर्व विधायक वीरेश यादव का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें आचार संहिता के नियमों का पालन करना आता है। यही कारण है कि अधिकारियों के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन किया जा रहा है। रैली को जो है जो आ रही थी, चूंकि काफ़ी भीड़ थी, तो इसको यही अवंती बाई चौराहे पर रोक कर जो है इसको डिफरेंट डायरेक्शंस में इनको जो है डिस्पर्स कर दिया गया है। और आगे जो भी होगा, आचार संहिता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसके आलोक में ही जो है इनको अनुमति दी जाएगी और जो है तदनुसार जो आचार संहिता तो अभी लगी है। हम तो अब वापस जा रहे हैं घर। हम क्षेत्र की यात्रा है परिवर्तन के लिए। अभी भाजपा ने भी जनकल्याण यात्रा निकाली है। हाँ, उसके बाद हमारी निकली है। इस तरह से देख ले आप यात्रा को। अब देख रहे हो प्रशासन हमारी यात्रा में अड़चन लगा रहा है। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर विधानसभा चुनाव के घोषित 7वें चरण में मतदान किया जाएगा। लोकतंत्र के महापर्व मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले में 80 प्लस से मतदाताओं की संख्या 36,972 है। नए मतदाता सूची में साल करीब 20,000 मतदाता जोड़े गए हैं। चुनाव के लिए सारी व्यवस्था कर ली गई है। वहीं फ्रंट लाइन वर्कर को बूस्टर डोज के साथ उनकी बूथों पर तैनाती की जाएगी। आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हुई है और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और हमने इस पे कार्य भी शुरू कर दिया है। जनपद में हम चुनाव से जुड़ी तैयारियां कर रहे हैं और इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे जनपद में कुल 18,91,000 वोटर है और इसमें 5 विधानसभाएँ हैं। इसमें जो 96 विधानसभा है वो SC के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है
महिला वोटर्स की संख्या हमारे यहाँ पर बढ़ी है और हमारा जो जेंडर रेशियो है वो 905 हो गया है। इसके अलावा जो दिव्यांग मतदाता है उनकी संख्या भी बढ़ी है जो लगभग 13,500 के आसपास है। इसके अलावा जो 80 प्लस उम्र वाले वोटर है उनकी संख्या भी लगभग 36,500 है, उनका भी हमने आइडेंटिफिकेशन किया है। इसके अलावा जो बूथ हमारे क्रिटिकल है और जो वल्नरेबल पॉकेट्स हैं उनमें हमने वेवकास्टिंग की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे कुल यहां पर 2268 बूथ है और उसमें हम 50% से अधिक बूथ अर्थात 1134 से अधिक बूथों पर हम वेवकास्टिंग कराएंगे और उसमें उस कैमरे के माध्यम से मतदान की निगरानी की जाएगी और इसको कोई भी व्यक्ति इसको कहीं से लाइव इसको देख पाएगा। इसके अलावा हम कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहे हैं। वैक्सीनेशन पे हम बल दे रहे हैं। हमारे चुनाव में जितने भी कर्मचारी लगेंगे लगभग 10,000 कर्मचारी वो सभी कर्मचारी जो है। खबर औरैया से है जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री व दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक लाखन सिंह राजपूत ने जिला मुख्यालय विकास भवन के सभागार में बीते शनिवार को त्वरित योजना के तहत 36 सड़कों का शिलान्यास किया। ये सड़कें 3,64,00,000 रुपए के दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र से बनवाई जाएंगी। कुछ दिन पहले भी कृषि राज्य मंत्री ने जिले की कुल PWD की 51 सड़कों को शिलान्यास कर 63 सड़कों का लोकार्पण किया था। इस अवसर पर उन्होंने अपनी सरकार के कार्यों का बखान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे औरैया में सड़कों का जाल बिछा दिया है जिससे लोगों को आवागमन की सुविधा होती है। तो वहीं औरैया में एक और मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास हुआ जो 280 करोड़ की लागत से बनेगा व उसका निर्माण किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने कहा कि औरैया के ग्वारी इलाके में 500 एकड़ भूमि की भूमाफियाओं के कब्जे में थी, उसे मुक्त कराकर अब वहां कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बेरोजगारी दर 15% थी जहां वहीं अब बेरोजगारी दर में भारी कमी आई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देखिए ये कुल दिव्यापुर विधानसभा में 36 सड़कों का शिलान्यास हुआ है आज जिनका लागत आएगी 3,63,52,000 और 279.52 लाख की धनराशि अब मुक्त हुई है जिससे इनका निर्माण कार्य होगा और 5.64 किलोमीटर इनकी लंबाई होगी। तो इस प्रकार से आज उसका शिलान्यास हुआ है। गोरखपुर में जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की ओर से धर्म और अध्यात्म के विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ था जहां पर बॉलीवुड अभिनेता और उपाध्यक्ष राजा बुंदेला शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बुंदेलखंड का विकास पूरी तरह से रुका हुआ था लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से विकास हो रहा है। आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को प्रेम क्लब कार्यकारिणी की तरफ से शॉल और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन प्रेस क्लब महामंत्री मनोज यादव ने किया। जनरली लोग आज के विषय कुछ और ही चुनते हैं, राजनीति से जुड़े होते हैं या किसी और से, लेकिन ये पूरी की पूरी व्यवस्था को, पूरे के पूरे समाज, पूरे के धर्म और संस्कृति को लेकर ये विषय चुने गए हैं, अद्भुत है। और ऐसी गोरखपुर नगरी से ऐसे ही विचार की उम्मीद थी और ये क्रम होते रहना चाहिए। आज देश के सामने एक बड़ा सवाल है, धर्म तितर बितर हो रहा है, संस्कृति प्रायः नष्ट होने के कगार पर है, लोग अपने किस्म की संस्कृति को गढ़ रहे हैं, मर रहे हैं और उसमें अध्यात्म के नाम पर तो कोई बात करता ही नहीं, कुछ सोचता नहीं है और समय ना तो तब साथ था ना अब साथ है। तो हम आप सब लोगों के बीच में यही कह सकते हैं कि ये समय है खड़े होने का, जहाँ कुछ गलत हो रहा है तो विद्रोह मत करिए, कम से कम अपना आवाज। आगरा के थाना शाहगंज के सराइक हवाजा चौकी के क्षेत्र ख्वासपुर घटना के सामने आई है जहां आरएसएस की शाखा लगाने के बाद दूसरे समुदाय के आरएसएस कार्यकर्ताओं ने झड़प हो गई जिसकी स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर सीओ लोहा मंडी समेत थाने का फोर्स मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को समझा बुझा कर शांत कराया।
आज ये घटना हुई थी, हमें किसी को मालूम नहीं थी, हम अपने अपने घरों में थे, एकदम सब लोग आए 50-60 आदमी और आन के जय श्री राम के नारे लगाए, नारे लगा कर खूब इसमें उधम मचाया, गालियाँ गलाज करी और यानी है कोई था नहीं हमारे यहाँ पे बस्ती में भी कोई नहीं था आदमी, ये लोग जब औरतें निकल आई हैं तो फिर हम अपने अंदर हो गए, हमने उनसे कुछ भी नहीं किया। हाँ, और उन लोगों ने हमारी और वीडियो बनाई है। आज की घटना से पहले कल कुछ लोग RSS के लोग यहाँ पार्क है, पार्क के अंदर आए और यहाँ झंडा लगा करके अपनी परेड वरेड करने के लिए कोशिश करने लगे, तो कल कुछ लोगों ने समझा करके उन लोगों को वापस कर दिया था। आज यही घटना इन्होंने दोबारा दोहराई, आज कम से कम 50-60 लोग यहाँ आकर के अपनी परेड करने लगे, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने समझाया जो यहाँ रहते हैं और समझाया उन लोगों को भाई यहाँ ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं होती है, पहले शुरुआत क्यों कर रहे हो, यहाँ जय श्री राम के नारे और तमाम अभद्र नारे लगाते रहे, लोगों ने विरोध भी करा लेकिन वो लोग नहीं माने, तभी जाकर के पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस यहाँ पर आई। फिर खबर औरैया से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है, जहां पुलिस को 24 दिसंबर में हुई केव ड्राइवर की हत्या के मानने वाले आरोपियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों की गोली लगी और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि वही आरोपी केव ड्राइवर लूटा हुआ सामान फेंकने की फिराक में था ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत पुलिस के हाथ ना लगे। यहाँ पे मिली थी अजीत वाल और उसमें जो मृतक थे उनका नाम मुकेश कुमार था, जो कि एक कैब ड्राइवर थे, गाड़ी चला कर गई है, गुड़गांव से कानपुर की तरफ जा रहे थे। इसी गाड़ी में दो व्यक्ति सवार थे जिनको पुलिस की तलाश थी, जिन पे ये शक जा रहा था कि इन्होंने मिल करके इसकी हत्या करी। जब पुलिस के शक के आधार पर हमने CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करी गई, उसमें दो बहुत क्लियर फुटेज हमें पेट्रोल पंप से मिली जिसको हमने सर्कुलेट किया मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और गोपनीय सूचना भी प्राप्त थी। इसके आधार पे दो अपराधी आइडेंटिफाई हुए थे जिनका नाम केशव सिंह और वीर सिंह है। जब ये अपराधियों के बारे में सुरागरसी पतारसी करी जा रही थी उसी दौरान मुठभेड़ द्वारा सूचना दी गई कि ये इस कैब ड्राइवर की जो हत्या है उसमें इन्वॉल्व है और उसके साथ जो कुछ सामान था उसको ले जा रहे थे फेंकने के लिए, जो उस कैब ड्राइवर से मिला था इनको, उसी पे पुलिस ने इनकी घेराबंदी करी थी। घेराबंदी के उपरांत जब ये मौके पे पुलिस और इनके बीच में आमना सामना हुआ तो उन्होंने फायरिंग करी, पुलिस ने आत्मरक्षार्थ हेतु फायरिंग करी और जिसमें इन दोनों अपराधियों को गोली लगी है। साथ में इनके पास से कुछ चीज़ें भी बरामद हुई हैं जिनको अभी चेक किया जा रहा है, जिसमें एक GPS है, मोबाइल फ़ोन है और भी अन्य चीज़ें सामग्री हैं। इनने अभी विस्तृत पूछताछ तो नहीं हुई, छोटी जो बात हुई उसमें बताया कि ये उस कैब ड्राइवर की हत्या में इन्वॉल्व थे। अभी इनको उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया है और जो बाकी कार्रवाई है वो पूरी करी। देवरिया में पुलिस उप महारीक्षक के निर्देशानुसार महू आडीह क्षेत्र में हेती ममपुर गोसाई टोला छोटी गंडक के किनारे तथा कुशीनगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध कच्ची शराब निष्कासन के विरुद्ध पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा व्यापक अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नगर क्षेत्र अधिकारी श्री एस त्रिपाठी ने अपनी संयुक्त टीम के साथ मौके पर जाकर कच्ची शराब बनाने वाले भट्टियों का नष्ट किया, साथ ही 90 क्विंटल लहन भी नष्ट किया गया। आगरा में प्रधान पक्ष और डीलर पक्ष के बीच ट्रांसफार्मर विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जहां फायरिंग में दोनों पक्षों में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई राउंड फायरिंग से पूरे गांव में दहशत मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले को शांत कराया और आगे की जांच में जुट गई है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां गेस्ट हाउस में 10 दिवसीय सम्मेलन चल रहा था, वहीं सम्मेलन में किन्नर के साथ आई किशोरी के साथ किन्नर के ही चालक ने बहला फुसला कर दुष्कर्म किया। जानकारी मिलते ही सम्मेलन में हड़कंप मच गया, जहां मामले की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं किशोरी को लेकर किन्नर थाने पहुंची, जहां उसको चिकित्सा परीक्षण के लिए भेज दिया गया। खबर
खबर महोबा से है, जहां पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसमें झांसी मिर्जापुर हाईवे पर किसानों ने जाम लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने फसलों की बीमा राशि और सरकार से मुआवजे की मांग की है। पूरे मामले को लेकर सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने किसानों को हर मदद का भरोसा देते हुए कहा कि किसानों को बीमा राशि दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। आचार संहिता लग रही है, ऐसे में जो भी मदद प्रशासन स्तर पर होगी वो किसान तक पहुंचेगी। खेतों में पानी भर गया है, मटर में, मसूर है, तो काफी नुकसान हो गया। कुछ उसमें मदद मिले हमको। अच्छा, लगभग कितना नुकसान हुआ है आपका? 2-3 बीघा भर गया है, मटर भी मसूर भी। ये ऐसा है कि ये तो प्रकृति की मार है। पहले दिन जो पानी बरसा उससे ये लगा कि हमारा भला हुआ है, किसानों का भला हुआ है, पानी की सिंचाई से किसान बच गया है। और निश्चित तौर पे पहले 1-2 दिन की बारिश से तो किसानों का भला हुआ था, लेकिन अब अतिवृष्टि और ओलावृष्टि होने की वजह से हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग परेशान ना हो। हमने शासन को लिख के भेज दिया है कि अतिवृष्टि की वजह से जो किसानों का नुकसान हुआ है, बीमा के द्वारा या आपदा कोष से हमारे किसानों की मदद की जाए। और निश्चित तौर पर आपको मालूम है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ओलावृष्टि हुई थी, ओलावृष्टि के साथ 1 हफ्ते के अंदर किसानों के पास पैसा आ गया था। अब अगर आचार संहिता की वजह से कोई मामला अटकता है तो मैं निश्चित तौर से किसानों से वादा करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी दोबारा बनने वाले हैं उनकी। खबर संभल से है, जहां नखासा थाना पुलिस ने एसपी के निर्देश पर विधानसभा चुनाव को लेकर नकली शराब पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से 520 लीटर नकली शराब सहित शराब बनाने वाले उपकरण और यूरिया बरामद की। वहीं पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध चस फैक्ट्री और नकली शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ मौके पर 1000 लीटर लहन पुलिस ने नष्ट किया है। उत्तर प्रदेश के अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।